वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टू क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा रहने वाला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्निटीज़ क्या होती हैं, और सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, इसको आपको आंसर को जस्टिफाई करना है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने के साथ साथ वो अपनी, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, अपनी सेविंग्स को बढ़ा देता है कंपेयर टू इस बात के कि वो अपने कंजप्शन को बढ़ाए। ठीक है, और इसके अलावा ये जो वीडियो है इसके अंदर जो मैं आपको टू क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो सीबीएसई ने आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाया है उसके टू क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल VS इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्चुअलिटीज़। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअलिटीज़ होती क्या है। एक्चुअलिटीज़ का मतलब होता है कि जब किसी एक्टिविटी का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, वो होती है एक्चुअलिटीज़। यानी कि एक्चुअलिटीज़ का मतलब क्या होता है, एक्चुअलिटीज़ का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है, किसी भी एक्टिविटी का किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना या नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, और जबकि वो व्यक्ति उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ही नहीं, उसे कहा जाता है एक्चुअलिटीज़। अब एक्चुअलिटीज़ जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़ और नेगेटिव एक्चुअलिटीज़। अब पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़ क्या होती हैं, अब आप अपनी स्किन पर देखिए, पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़ रेफर्स टू बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स होते हैं कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर, जो एक एंटिटी के द्वारा दूसरे को दिए जाते विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। यानी कि जो इस एक्चुअलिटी का लाभ उठा रहा है, जिसको बेनिफिट हो रहा है, उसने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है, वो होती हैं पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे, आपका मकान है, आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके नेबरहुड ने आपके मकान के बिल्कुल सामने क्या लगवा दिए हैं, पेड़ पौधे लगवा दिए हैं। ठीक है, ताकि भाई वहाँ का जो माहौल है आसपास का अच्छा हो जाए, चारों तरफ वहाँ पे हरियाली हो, तो वहाँ पे पेड़ पौधे आपके आपके नेबर ने पेड़ पौधे वहाँ पे लगवा दिए गए हैं आपके नेबर के द्वारा, तो उस पे जो वो पेड़ पौधे लगवाए गए हैं उसका जो फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, आपको भी मिलेगा, और जबकि आपने उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है। तो यानी कि पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़ का मतलब होता है कि जिसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है लेकिन फिर भी हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो होती है पॉजिटिव एक्चुअलिटीज़। नेक्स्ट आती हैं नेगेटिव एक्चुअलिटीज़। नेगेटिव एक्चुअलिटीज़ होती हैं, नेगेटिव एक्चुअलिटीज़ रेफर्स टू हार्म्स, यानी कि वो नुकसान कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर, जो एक के द्वारा दूसरे को दिए जाते विदाउट बीइंग पेनलाइज फॉर, यानी कि उसके लिए आपने कोई पेनल्टी नहीं दी है, उसके लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया है, वो आती है नेगेटिव एक्चुअलिटीज़। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए आपके घर के सामने किसी ने फैक्ट्री लगाई है, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री अगर आपके घर के सामने किसी ने लगाई है, तो और उस फैक्ट्री में से जो निकलने वाला धुआं होता है उससे किसको नुकसान होगा, आपको, जबकि आपने उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है, आपका उस फैक्ट्री को लगाने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो होती है नेगेटिव एक्चुअलिटीज़। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअलिटीज़ का मतलब होता है कि टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वो होती हैं कि जब किसी एक्टिविटी का किसी पर्सन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जबकि वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो होती है पॉजिटिव या नेगेटिव एक्चुअलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, एज द इनकम इंक्रीजेज पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। यानी कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो जो पीपल होते हैं वो अपनी सेविंग्स को बढ़ा देते हैं, तो आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना है। अब
अगर कॉमन सेंस में अगर हम नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, अपने कंजप्शन को भी बढ़ाता है, यानी कि वो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है वो अपने कंजप्शन को और बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर आप लोगों से नॉर्मल पूछा जाए कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या कहोगे कि हम अपने कंजप्शन को बढ़ा देंगे, यानी कि हम और जो चीज़ है उनकी डिमांड्स करनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन जो अपना साइकोलॉजिकल लॉ होता है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या कहता है, इसके अंदर एक टर्म आती है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ये टर्म कहती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने के साथ साथ वो अपने कंजप्शन को तो बढ़ाता है, लेकिन कंपेयर टू सेविंग, यानी कि वो अपनी सेविंग को ज़्यादा बढ़ाता है कंपेयर टू कंजप्शन की, यानी कि वो क्या करता है अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट होता है वो सेविंग के ऊपर खर्च करता है, यानी कि अपनी इनकम को वो सेव करके अपने पास रखता है। इन फ्यूचर अगर उसे किसी चीज़ की नीड होती है, फ्यूचर में कोई भी सरकमस्टांसेस होते हैं तो वो उस इनकम का यूज़ कर सकता है। तो इस आंसर को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आप क्या कहोगे कि एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम का लेवल कम होता है तो कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम का लेवल कम होता है तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, ताकि जो उसके बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं। अब इसके अलावा कहते हैं एज इनकम इंक्रीजेस, देखो दो बातें आती हैं, जब कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है, इनकम यानी कंज्यूमर की कम है, तो कंज्यूमर क्या करता है, वो लार्ज प्रोपोर्शन, कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड करता है केवल किस चीज़ के लिए, ताकि जो उसकी सर्वाइवल की नीड्स हैं, ताकि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, जब उसकी इनकम का लेवल कम होता है। लेकिन एज द इनकम इंक्रीजेज, जब उसकी इनकम का लेवल बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, तब क्या होता है, तब वो अपनी इनकम के पार्ट को सेविंग पे ज़्यादा स्पेंड करता है कंपेयर टू कंज्यूम की, यानी कि पीपल टेंड टू कंज्यूम लेस, तो वो लेस कंज्यूम करता है कम, और उसको फ्यूचर के लिए अपने पास सेव करके रखता है। फ्यूचर के अंदर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, कोई सिकनेस हो जाए, या कोई भी अनफोर्सिन कॉन्टिनजेंसीज हो जाए, तो वो क्या करता है, इनकम को अपने पास सेव करके रखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके, ये दो क्वेश्चन थे, एक इसमें एक मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव एक्शनलिटीज़, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो किस तरह से सेविंग को अपने बढ़ाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया टू क्वेश्चंस के बारे में। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वही क्वेश्चंस है जो CBSE ने सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाए उसमें ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में समझाने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके, हो सकता है कि अब की बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पिछली बार भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं CBSE के, उससे भी कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए और नई वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।